इंद्रियों की शक्ति को भी बढ़ाना पड़ता है. एज यू यूज योर सेंसेस प्रॉपरली सो डज योर सेंसेस बिकम स्ट्रांग. अब आंख बंद किए हैं, यहीं भ्रू मध्य में मोमबत्ती की लौ, गुलाब का फूल, गंगा, पहाड़, अपने आप को. अब ये सब सहजता से तो ही दिखेगा जो दो चीज़ें होंगी, एक आपका मन शांत है, दूसरा आपकी जो धारणा, आपकी जो सेंसिटिविटी है फॉर कलर, शेप एंड फॉर्म, वो अच्छी है. कईयों की होती नहीं है, जिनकी ना हुई हो तो उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए, बस उनको थोड़ा सा जब देखें तो कुछ भी तो उसे थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें. और ध्यान से कोई चीज़ तभी देखी जाएगी जब मन कुछ और नहीं सोचेगा. माइंड बड़ा वन ट्रैक है ये, वो कहता है यहाँ तो सोचवा लो मेरे से और यहाँ कुछ इंद्रियों का प्रयोग कर लो. और लोग खाना खाते हैं, कई बार जैसे हम किसी को पूछते हैं कैसा बना है ये, ले ठीक है, वो मुझे दिया और मैंने कहा माँ ये तो अच्छा नहीं है, इसमें तो तेल जले हुए की आ रही है, जला हुए तेल में बना दिया. और 100-150 लोग खा चुके हैं, किसी को नहीं खबर हुई. ऐसा कैसे? क्योंकि जब खा रहे थे ना, मन कुछ और ही सोच रहा था, मन उलझा हुआ था, मन उलझा हुआ था. तुमने देखा कभी, एक मैंने चित्र देखा था, एक फोटो देखी थी एक छोटे बच्चे की, ऊन होती है ना, वूल, निटिंग वूल, तो वो वूल के उस गोले के साथ, ऊन के उस गोले के साथ खेल रहा होगा, तो खेलते खेलते सिर से, मुंह से, छाती से, पेट से, टांग से, पैर में, सब जगह उसके ऊन ही ऊन के ऐसे घेरे, चक्कर चक्कर चक्कर, और वो बीच में फंसा हुआ रो रहा है. मैंने जब ये फोटो देखी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल आदमी की हालत है, अपने विचारों में फंसा रहता. इसीलिए क्या खाया वो ठीक से उन्हें स्वाद नहीं पता चलता, क्या देखा ये ठीक से उनको दिखाई नहीं देता, क्या सुना ये उनको याद नहीं रहता. जब लोग ये कहते ना हमें याद नहीं रहता, तो ये दिमागी कमजोरी कम है, तुम्हारी इंद्रिय कमजोरी ज़्यादा है, तुम्हारी सेंसेस की वीकनेस ज़्यादा होती है. आज एक सुझाव देती हूँ, अभी आप लोग सब नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता जब आप रखें आप अपनी प्लेट में, तो जब आप उसे खाने लगें तो पहले वो क्या है उसको बहुत अच्छे से देखें. और आपका क्या है, जैसे ही देखेंगे ना, अरे पूरी मिलती ना तो कितना अच्छा होता, ये क्या है, अरे नान होता कितना बढ़िया, गोभी का पराठा होता ना कितना बढ़िया, दलिया होता ना. तो तुम्हारा मन पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को याद करने, तो जो सामने चीज़ पड़ी वो दिख ही नहीं रही, और मन में ये पता नहीं कैसे लोगों को इन्होंने क्या कौन बनाते, पता नहीं क्या बनाते, कैसे बनाते, क्या करते. अब जो चीज़ है वो तो दिखेगी नहीं, वही जब मुंह पर जाएगी, जीभ में जाएगी, आप उसका स्वाद भी नहीं ले पाएंगे. और यही वजह है कि आपको चीज़ स्वाद होवेगी तो भी नहीं स्वाद लगने वाली, कि जब चीज़ मिलती है. एक सज्जन पीछे आश्रम में आए हुए थे, वो कोई शायद हलवा बना था तो उनको दिया, तो वो एक चम्मच मुंह में डाला और अभी मुंह में है, भाई खा लो अकल से, तमीज से फिर बोलो, और वो मुँह में ही है और वो बोलना चालू हो गए. इलाहाबाद में जो जलेबी मिलती है तो ये उस समय होता है एक चमात दे में तेरे को, तो अक्ल ठिकाने आवे, जो सामने इतनी बढ़िया चीज़ है उसका रस तो ले ले. वहाँ ये मिलता, चांदनी चौक में तो जलेबी जैसी मिलती ना वैसी तो कहीं मिलती नहीं है, और दिल्ली में वहाँ ये अरे जो सामने चीज़ पड़ी है, इंजॉय दैट फर्स्ट. सो आज जब आप खाएं तो थोड़ा इस होश से खाइएगा कि जब तोड़ें चीज़ को तो उसका टेक्सचर फील करिएगा, जब देखें तो आँखों से उसका रंग, रूप, आकार और मन को यहाँ वहाँ भागने न दीजिएगा, और जब मुंह में डालें तो हो सके तो आँख बंद करके उसका रस पूरी तरह से, टेस्ट जो है उसका, जो टेक्सचर जो जीभ पे आ रहा है उसको, और उसका जो स्वाद है उसको, और मन नहीं आने दीजिएगा। और आ जाए ना मन कोई ख्याल तो कहिए अभी नहीं, बाद में तेरे को देखूंगा, अभी जरा मुझे ये खाने को देखना है। अब आप नोट करेंगे इस बात को कि जितना आप खाना रोज खाते हैं उतना ही खाना आज आप खाएंगे, लेकिन इसको खाना बड़ा ही मुश्किल सा लगेगा। क्यों? आदत पड़ी है विचारों में खो के खाने की, तो होश में रह के खाना बड़ा मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल। ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप चाय पीने लगें या पानी पीने लगें तो जब पहला घूंट भरें तो मुंह में उसको महसूस करें, जब उसे गल्प करें, जब निगलें तो वो पानी का जो अंदर फूड पाइप में स्पर्श आता है पता चले, और ये पेट तक गया, वो पेट तक जाता भी महसूस होगा। तो उससे ज़रा फील करते हुए शरीर के साथ थोड़ा परिचय बनाइए। सारा समय मन की उड़ानें लगाते रहते हो, शरीर से तो कोई संबंध ही नहीं तुम्हारा, तो थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा। एकाग्रता और आपके सेंसेस का एक बड़ा सुंदर जोड़ बन सकता। कुछ भी करें ध्यान से करें, अटेंटिव होके करें। अगर आप ये कर सके और करते रहे, आप देखेंगे आपकी स्मरण शक्ति कैसी तेज हो जाती। एक महात्मा जिनके आयु मैंने 130 से तो वर्ष से तो ऊपर है, वो मुझे कह रहे थे मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ मुझे भूल जाए, कुछ भूलता ही नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि भूल जाए, कुछ भूलता ही नहीं, सब याद। 1880 में कहाँ गए थे, 1870 में कहाँ गए थे, 1890 में कहाँ गए थे, किसको मिले थे, कौन कौन आए थे, तो क्या क्या बात हुई थी। जैसे रिकॉर्डेड डीवीडी प्ले कर दीजिए तो आप सब देख सकते हैं। ऐसे ही उनकी स्मृति फोटोजेनिक स्मृति, दृश्य पूरे याद हैं, शब्द क्या बोले किसने वो सब याद है, भूलता ही नहीं। आप कहते हो याद नहीं रहता, ये कहते हो भूलता नहीं है, बड़ी विचित्र माया है। मन एक ही है, तुम्हारा जैसा है, मेरा जैसा है, ऐसा ही इस महात्मा का है, लेकिन मन की ट्रेनिंग देखिए कितनी फर्क हो गई। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें कुछ भूलता नहीं है। जीवन बहुत कुछ सीखने के लिए है, जीवन बहुत कुछ जानने के लिए है, जीवन बहुत सारे प्रयोग करने के लिए है। और ये 5 दिन तो क्या कहूँ मैं, समंदर जैसा सीखना है, और उसके सामने ये 5 दिन क्या होते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शिविर से तो मैं ये समझती हूँ कि बस इतनी ही प्राप्ति हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी कि जो आप यहाँ कर रहे हो, जो आप यहाँ सीख रहे हो, उसको आप वापस जाके भी फॉलो कर सको। ये भावना, ये संकल्प, ये निश्चय आपका बन जाए तो दिस विल बी अ बिगेस्ट अचीवमेंट। सुबह 1.5 से 2 घंटे, शाम को फिर 1.5 से 2 घंटे, और हफ्ते में जब एक छुट्टी आती है आपकी संडे की तो उस दिन और थोड़ा समय, 5 घंटे लगा लो, 6 घंटे लगा लो, जितना लगा सको लगा लो। और जो ये ना करना चाहे ये भी उनकी मर्जी है, ये जिंदगी तो आपकी है ना, तो निर्णय तो आप ही लेंगे आप क्या करना चाहते हैं। गुरु नहीं, सदगुरु चाहिए होता है। गुरु तो घंटाल भी होते हैं, चोर ठग भी होते हैं, तो गुरु नहीं, सदगुरु। अब सत्य का अनुभवी गुरु न मिले, साधु तो है, घर बार छोड़े तो साधु तो कहना पड़ेगा, पर उसकी साधना ही उल्टी होती है। तो संत जो सुजान है, समझदार है, विवेकी है, वह निर्गुण की चुनरी ओढ़ता। निर्गुण माने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण अतीत है प्रभु, वह उसको समझ लेता, चुनरी सर में लेते। मस्तिष्क यही है, समझ यही आती। तो काव्यात्मक ढंग में, इन पोएटिक वे यारी कह रहे हैं कि सुजान संत ने निर्गुण चुनरी ओढ़ ली है। सरगुण तो शरीर है, रजोतमो सतोगुण का बना हुआ यह शरीर है। शरीर तमोगुणी है, इंद्रियां रजोगुणी है, अंतःकरण सतोगुणी है। तीनों गुण में सृष्टि, तीनों गुण में सृष्टि। लेकिन इस सृष्टि का जो आधार है सो निर्गुण, हाथ सरगुण। हाथ जिस शक्ति से चले, प्राण शक्ति से, वो रजोगुण। जो मन कहे हाथ चलाना है सो मन सतोगुण। पर इसका आधार वो चैतन्य है, वह निर्गुण। ना रजो न तमो न सतो, तीनों गुण उसमें नहीं। षट दर्शन में जाई खोजो, 6 प्रकार की जो फिलॉसफीज भारत में चलती हैं, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक इत्यादि, बोले ये 6 दर्शनों में जाके खोजो खोजो और हो वो हैरान हैरान माने होते रहो परेशान। भेद तो सदगुरु ही खोलेगा। ज्योत स्वरूप सुहागन चुनरी आव वधु धर ध्यान। ये जो सुहागिन है, ये तो होती है जो ज्योत स्वरूप का बोध होता है। निर्गुण चुनरी निर्बान, निर्गुण चुनरी निर्बान, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान, निर्गुण चुन सत दर्शन में जाई खोजो, सत दर्शन में जाई खोजो और बीच है राह, और बीच है राह। सत दर्शन में जाई खोजो, सत दर्शन में जाई खोजो और बीच है राम, और बीच है राम। कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान, हाँ कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण चुनरी निर्वाण, निर्गुण चुनरी निर्वाण, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान। ज्योत स्वरूप सुहागन चुनरी, ज्योत स्वरूप सुहागन चुनरी आव वधू धर ध्यान, आव वधू धर ध्यान। ज्योत स्वरूप सुहागन चुनरी, ज्योत स्वरूप सुहागन चुनरी आव संत संत सुजान। फिर सिद्ध अवस्था का है, ये साधारण अवस्था का नहीं है। आपको सिद्ध अवस्था की जब मैं बात कहती हूं तो तुमको बड़ा आनंद आता है, पर जब जब मैं साधना अवस्था की बात करती हूं तो तुम्हें डिप्रेशन हो जाता है, तुम्हें दुख होता है, क्योंकि तुमसे वो होता नहीं है। साधन करने में कष्ट है, कष्ट तुम चाहते नहीं। संसार के लिए कष्ट करने में तुम कभी हारते नहीं हो, लेकिन परमार्थ के लिए कष्ट करने में तुम्हें कष्ट होता है। संसार के लिए कभी नहीं हारते हो। संसार की गालियां खाता है, फिर भी संसार के तलवे चाटता है। शास्त्र कहते हैं, विशेष करके विचार सागर की ये बात कह रही हूं, कि जिस चीज में पहले दुख हो और फिर सुख हो वह है अध्यात्म, और जिसमें पहले सुख हो और फिर दुख हो वो है संसार का विषय। जब आप संसार भोगते हैं इंद्रियों से, when you entertain your senses, you feel great enjoyment. This goes without saying. लेकिन इस सुख अनुभूति के बाद जो दुख होगा वो दुख तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता है। अब टीवी देखते हैं तो इतना अच्छा लग रहा, और आजकल इतने चैनल्स मिल जाते हैं, इतने चैनल्स, ये देखो वो देखो, यह देखो वो देखो, यहाँ स्पोर्ट्स देखो, क्रिकेट मैच देखो, अरे और तो और पुराने मैच दिखाते रहते। और क्रिकेट के प्रेमी पुराने मैच देख के भी छक्का लगने पर सीटों पे उछलते, पुराना मैच है। और इतने दीवाने हैं कि वर्ल्ड कप जब जीता था उसमें, जब उसने ये किया, उसने जब ऐसे बैट घुमाया, जब ऐसे उसने बल्ला घुमाया, और फिर ये हुआ, रात ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो, दिन रात का फर्क है, बैठ के रात को देखते। अब आंखों को देखने में मजा आ रहा है। और किसी मैच में 6 ही रन बचे हों, 1 ही बॉल पड़ी हो, तो पूरा देश प्रार्थना कर रहा होता है कि इस आखिरी बॉल पर सिक्सर लग जाए तो वर्ल्ड कप हमारा। और अगर हो गया तो इतना नाचते गाते हैं, सड़कों में पटाखे बम फोड़ते हैं जैसे वो कप इन्हीं के घर में आना। जीता कोई और, लेकिन उसमें देश की अस्मिता जुड़ी होती है, अपनी इज्जत जुड़ जाती है। आंखों से देखा कितना मजा आया, कानों से सुना कितना मजा आया। एक सज्जन बता रहे थे कि जब किसी म्यूजिक का रॉक शो होना हो या किसी फेमस म्यूजिशियन का कोई प्रोग्राम होना हो, तो पीछे एक प्रोग्राम हुआ जिसमें एंट्रेंस टिकट 20,000 रुपये का था। वो 20,000 भी खर्चे, 20, 10 और सबसे छोटी और सस्ती टिकट 5,000 की। कौन कहता है ये देश गरीब है, जहाँ एक म्यूज़िक शो के लिए, और वो भी 2 या 3 घंटे के लिए, कोई 20,000 खर्च कर सकता है। उस देश के नागरिक गरीब तो कहीं से भी नहीं। रात भर जगे, और फिर जब माहौल ऐसा है कि सब पी रहे हैं, या बीयर तो पानी होती है, जौ का पानी, तो कोई मतलब ही नहीं है, पिए हैं, नशा भी चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। इन कानों से सुख जो मिला, वह सुख के बाद क्या होगा इसका तो कोई विचार नहीं करता है। लेट नाइट रॉक शो देख के वापस लौट रहे, शराब पी रखी, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या किया, कि किसको मार दिया, कि खुद की कार उल्टा ली, चलो घर ठीक ठाक आ गए, सब तो नहीं ऐसे करते हैं। तो पीने के वजह से, रात जागने के वजह से हैंगओवर शराब का हो रहा है, सिर दुख रहा है, वॉमिट कर रहा है। जो सुख लिया उसके बाद का दुख है।